यहाँ इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा नहीं उनकी कुर्सी को खतरा है। ये कुर्सी में चले जाए, अब कुर्सी गई है, अभी ऐसे झप्पे मार रही हैं ये लोग, इनका अब कुछ यहाँ नहीं बचा। ये कहते हैं डॉक्टर प्रदीप साहब बोलते हैं कि शक्ति परिवार बाहर से आया, ये आया नहीं है, इसको लाया गया यहाँ के लिए। अभी कल आए इधर, हमने नाम पहली बार सुना है, कभी देखा ही नहीं उनको इधर। कांग्रेस वाले यही करते हैं, जो मालूम लोग ऐसे ही लाते हैं, जो लोगों को लाते हैं इधर को बोस बोलते हैं इधर, जी इस्लाम खतरे में आ गया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये झूठी बोलते हैं कांग्रेस वाले। ये एक देवता आदमी है, ये एक अकलमंद आदमी है, हमारी डोडा की तरफ कोई नहीं देखता था, मरम्मत की तरफ कोई भी नहीं देखता था। ये यही शक्ति परिहार है जिसके नाम पे मरम्मत इस वक्त चल रही है, साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कहीं दिखते नहीं थे। प्रदीप अभी आए, इलेक्शन आए तो कहीं निकल गए। परिहार साहब 10-15 साल से हमारे काम कर रहे हैं, प्रदीप का पता नहीं कहाँ था, वहाँ लाए इधर, तो उसको करने क्या है। यहाँ पे नाम है तो शक्ति परिहार है, बाकी कोई भी नहीं है। तो मरम्मत है हम, और मरम्मत के अंदर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी है, यानी कि जीत कौन सकता है, किसे जो है मरम्मत के लोग जिताने वाले हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब कहाँ से हैं? मैं रोड मरम्मत से। मरम्मत से हैं आप, तो किसे जिताना चाहते हैं आप? जिताना क्या जी, जीती जीती है भारतीय जनता पार्टी हमारी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जीती जीती है। क्यों जीती है? लोग हैं इसके साथ, लोग हैं, काम किए, इंसाफी पार्टी है, काम करते हैं, काम करेंगे। क्या काम किया है? जो भी कोई काम, हर काम करते हैं। क्या काम आप बता? हर चीज में जी, बिजली देखो, पानी देखो जी, राशन, फ्री राशन देखो, मतलब जो भी काम है इसका मतलब बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है। इसका मतलब है कि परिहार साहब को वोट देने वाले? परिहार साहब को सब वोट मिलेंगे इंशाल्लाह, सारे वोट मिलेंगे परिहार साहब को हमारी मरम्मत से। दूसरी तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट डॉक्टर प्रदीप हैं, वो तो हमको मालूम ही नहीं है, नहीं जानते, तो हमने नाम भी नहीं सुना है। हाँ। ना ना, लेकिन वो कहते हैं कि भाजपा जो है वो दखोलेबाजी करती है, राजनीति जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की करती है, क्या सच है? क्या ये तो सियासत में झूठ ही झूठ होता है, सियासत में ये तो सच बोलते ही नहीं। खैर, कांग्रेस के पास तो वैसे भी सच नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास झूठ ही झूठ है, झूठ ही झूठ। उन्होंने यहाँ से पीछे 30 साल में भी झूठ ही बोला, आज भी झूठ पे ही चल रहे हैं, और नाकामी उनके नसीब में है। तो मरम्मत की आवाम अब किसकी तरफ है? परिहार साहब के साथ, शाना बशाना सारे। जी, सारे जो है परिहार साहब के साथ है, परिहार साहब के साथ है। चलिए, तो बाकियों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद। कहाँ से हैं? ब्योता। ब्योता से। ये वोट एंड स्पोर्ट शक्तिराज परिहार, पक्के सपोर्टर हैं? पक्के। क्या काम किया है भाजपा ने? अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम। क्या बता सकते हैं कि ना? हमारा ये टेंडर निकल रहा है, हमारी ब्योता की रोड है वो भी बनाई है, और भी बड़े काम किए हैं, PMI में मकान मिले सबको, मिले गैस मिली सबको, सब कुछ बीजेपी कर रही है, मोदी साहब, मतलब भाजपा जो कर रही है भाजपा कर रही है। तो अभी क्या लग रहा है कि भाजपा ही जो है वो करेगी आगे भी? हाँ, भाजपा ही करेगी आगे आगे। तो बाकी जो यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप हैं, कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो उनसे कोई उम्मीदें नहीं है क्या? वो क्या, अभी कल आए इधर, हमने नाम पहली बार सुना है, कभी देखा ही नहीं उनको इधर। कांग्रेस वाले यही करते हैं, जो मालूम लोग ऐसे ही लाते हैं, जो लोगों को लाते हैं इधर, तो बोस बोलते हैं इधर, जी इस्लाम खतरे में आ गया, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, ये झूठी बोलते हैं कांग्रेस वाले। डॉक्टर प्रदीप कहते हैं कि शक्तिराज परिहार बाहर के हैं, और बाहर के आने के बाद यहाँ पर आए हैं। अभी तक उसको पता नहीं था बाहर के, 8-10-15 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो कहीं दिखते नहीं थे। प्रदीप अभी आए, इलेक्शन आए तो कहीं निकल गए। परिहार साहब 10-15 साल से हमारे काम कर रहे हैं। प्रदीप का पता नहीं कहाँ था, वहाँ लाए इधर, तो उसको करने क्या है। अच्छा जी, क्या नाम है जी? तारिक से। तारिक जी किसे वोट करने वाले हैं? शक्ति परिहार को। शक्ति परिहार को। काम हुए हैं आपके कि सभी शक्ति परिहार की तरफ? बिल्कुल, काम कर रहे हैं हमारे। काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? जो हम बोलेंगे, जो हमारे दिल में ख्वाहिश है काम कर रहे हैं। ख्वाहिश जो है वो होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अभी तक क्या हुआ है? जो मतलब मैंने बोला, जो काम बोला अभी तक भारतीय पार्टी ने किया है। किया है? नहीं, उसके अलावा कुछ आपको दिया है? कुछ कोई चीज? सब कुछ दिया है। क्या दिया है? घर दिया, सब कुछ दिया, काम दिया, जो बोलेंगे गैस सिलेंडर दिया, जो मतलब
भारतीय जनता की पार्टी की स्कीमें आ रही है वो गरीब तक जनता तक मिल रही है। अच्छा जी, आप मरम्मत से कहाँ से? चिलोद से। चिलोद से डीडीसी यहाँ के थे मुश्ताक, वो तो हमारे चाचा जी थे मगर उसने हमको देखा भी नहीं। अच्छा, आपके चाचा हैं? हाँ चाचा है। तो देखा भी नहीं? देखा भी नहीं हमको, कि जब वोट थे तो बोल रहा मैं चाचा जी हूँ आपका तो आपका काम करूंगा। हाँ। जब वोट लिया तो फिर हमको दिखा भी नहीं कहाँ। अच्छा, वोट के लिए चाचा थे? हाँ, वोट के लिए चाचा था। अच्छा जी। तो मैंने तो सुना है वो कह रहे थे कि प्रदीप जी जीतेंगे, डॉक्टर प्रदीप जो है उन्होंने शक्ति परिहार को पहले भी हराया है मुश्ताक ने, अब प्रदीप हराएंगे। प्रदीप को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शक्ति परिहार को हरा सके। अच्छा, हिम्मत नहीं है? हाँ, बिल्कुल। तो ये वोट एंड स्पोर्ट किसको अब? शक्ति परिहार को। शक्ति परिहार को, देखिए बात औरों से भी करेंगे। चाचा जी क्या नाम है आपका? रहमतुल्ला। रहमतुल्ला जी, रहमतुल्ला जी कहाँ से हैं? इधरी से। यहीं से हैं आप? तो किसे, कौन जीतने वाला है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? शक्ति परिहार है। शक्ति परिहार को मैं ज्यादा बातें नहीं करता हूँ। शक्ति परिहार काम किए आपके? काम किए, काम हो जाते हैं क्यों नहीं? अभी तक मिला कुछ? सब कुछ मिलता है। सब कुछ मिलता है, क्या क्या मिला? अब ये तो मुझे याद नहीं है सेना आदमी। नहीं, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, करना पड़ती है जनाब। जब काम करने वाले की सपोर्ट करना पड़ती है। काम करने वाले की सपोर्ट करनी है। तो मतलब कि दो यहाँ से टक्कर जो हमें देखने को मिलती है, शक्ति राज परिहार और कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर प्रदीप, तो डॉक्टर प्रदीप को सपोर्ट करेंगे? वो मैं जानता नहीं वो कौन है। अच्छा, आप जानते नहीं है? नहीं, वो तो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है और अलायंस में नेशनल खाई नहीं, क्या बोलूंगा, कभी देखा नहीं ना। तो वोट आपका, आप किसको है? है वोट किसको है? परियार साहब को। परियार साहब को। काम होगा, उम्मीद है काम होगा? होता होता है। क्या उम्मीदें लेके चल रहे हैं? क्या उम्मीदें लेके चल रहे हैं? कामयाब करना है शक्ति परियार, और क्या, कामयाब करना है शक्ति परियार। चलिए, और सर क्या नाम है जी आपका? जावेद इकबाल। जावेद कहाँ से? मैं लोहर भी होता। लोहर भी होता, तो किसे सपोर्ट करने वाले हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी, काम हुआ? बड़े काम हुए, जो नहीं भी हो सकते, जो हमने सोचा भी नहीं था वो भी हो गया। क्या क्या काम हुए? हमारे पंचायत के 7 वार्ड हैं, 7 वार्ड रोड से टच हैं। हाँ। 7 के 7 जी। और तकरीबन 100 के आसपास पिछली बार हमें IAY जो मकान ये PMAY जो है वो मिले, हर घर गैस चूल्हा मिला, गोल्डन कार्ड भी मिले, जो हमने सोचा भी नहीं था कि सरकारें ऐसा काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद यहाँ का नक्शा ही बदल दिया है। इसलिए मुश्ताक यहाँ के चुने हुए DDC थे, उनका रिसेंटली एक बयान है कि मैंने पहले भी हराया है शक्ति राज परिहार को, अब फिर से कांग्रेस के जो नुमाइंदे हैं वो अब हराएंगे। देखो मुंह से अभी भी मैं बोल सकता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ कि मैं भी किसी नेता को हरा सकता हूँ। हाँ। उस वक्त एक र्यूमर थी, 96-97 में मिलिटेंसी दौर यहाँ चल रहा था, लोगों ने ये सियासत इतनी गहराई से नहीं देखी थी। हाँ। और बीच से मुश्ताक साहब जो हैं वो खड़े हो गए इलेक्शन को, वो यहाँ हमारे अपने परिवार के आदमी थे और सब लोगों ने एक भरोसा किया उनके ऊपर कि हो सकता है अपने घर का आदमी, बेहोता का आदमी, मरम्मत का आदमी ये काम करेगा। लेकिन जिस दिन वो जीता उसी दिन से गायब है। हाँ। उस दिन के बाद वो बेहोता के अंदर, हमें अपना ही है वो, चिलोद का ही है, तो वो नजर नहीं आया। 72-73 लाख रुपया उसको साल का मिलता था और वो अपने रिश्तेदारों में अपर भ्योता में बांट दिया, उसने मैक्सिमम पैसा बांट दिया, ऊपर 13-13 बाथरूम एक ही 100 मीटर के दायरे में बनाए और बड़े बड़े काम किए उसने, खाली रिश्तेदारों का सुना, बाकी कुछ। तो रिश्तेदार भी बोल रहे हैं, चाचा बोल रहे थे वोट लिया तो बाद में वो दूर के वो ससुराल हाईजैक करके रखे हैं कुछ आदमियों ने उसको अपने, वो एक सरपंच था अपर भ्योता और दूसरा है वो तो 2 साल पहले ही, वो जाफर है, वो गया था चौधरी लाल सिंह के पास, उसने सटा बटा उसके साथ बना के रखा था। हाँ। और जब इलेक्शन, ये MP इलेक्शन आया और उसने उनको घेर कर लिया उधर चौधरी लाल सिंह के पास ज्वाइन करने के लिए। हाँ। जब हरे 4 तारीख को ये हरे और 4 के बाद फिर कहीं नहीं दिखे, एक भी नहीं दिखा। और जब नोटिफिकेशन इलेक्शन की निकली और उस वक्त आए, बोलते वोट दो, ये आते खाली वोट मांगने, उसके बाद बाकी टाइम में कहीं भी नहीं दिखते हैं। तो यहाँ शक्ति राज परिहार जो है 10 सालों से काम कर रहे हैं, हम भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे काम हुए, तो ये इस वक्त बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इनके जहाँ से मैं मत आओ, इन्होंने दिखना 8 तारीख तक, उसके बाद कहीं भी नहीं दिखना, 5 साल ये नहीं दिखेंगे आपको। आप आराम से सोच समझ रख के भारतीय जनता पार्टी को भारी अक्सरियत से यहाँ से जिताएं परिहार साहब हमारा। और दूसरी बात, एक बात मैं और भूल गया था कि ये कहते हैं डॉक्टर प्रदीप साहब बोलते हैं कि शक्ति परिहार बाहर से आया है। हाँ। ये आया नहीं है, इसको लाया गया है यहाँ के लिए। ये एक देवता आदमी है, ये एक अकलमंद आदमी है, हमारी डोडा की तरफ कोई नहीं देखता था, मरम्मत की तरफ कोई भी नहीं देखता था। ये यही शक्ति परिहार है जिसके नाम पे मरम्मत इस वक्त चल रही है।
यहाँ पे नाम है तो शक्ति परिहार है, बाकी कोई भी नहीं है। मरमत में नाम है तो शक्ति परिहार है, बाकी उसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मद साहब कहाँ से हैं? कहाँ से? लोअर ब्योता से। लोअर ब्योता से। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है और कौन जीतने वाला है? इंशाल्लाह ये शक्ति परिहार साहब जीतेंगे। क्या बात है, आपको लगता है परिहार साहब जीतेंगे? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? उनके करके शक्ति परिहार को कर रहे हैं। शक्ति परिहार को। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी नुमाइंदे हैं? नहीं वहा है, वैसे तो हम थोड़े उनके साथ हैं। आप परिहार को वोट कर रहे हैं? तो काम हुए आपके कोई? इंशाल्लाह हो रहे हैं काम, अच्छे काम हो रहे हैं। हो रहे हैं? क्या क्या काम हुए? सब काम हो रहे, वोट निकला है और भी घर घर में जो काम है, नरेगा का है, पीएमओवाई केस मिल रहे हैं, हर कोई काम मिल रहे हैं जी। ठीक है, मतलब नरेगा में भी काम मिल रहे हैं, मकान भी बने, और क्या हुआ? सब काम मिल रहे हैं। और क्या काम हुए? बाकी जो भी रोड शोड सब निकले हैं तकरीबन। चलिए, तो अभी उम्मीद क्या रखते हैं आप भाजपा से? इंशाल्लाह ठीक ही है, जो कुछ होगा अच्छे ही करेंगे। नहीं, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की भी मांग है, कह रहे थे कि डिग्री कॉलेज भी चाहिए, तो भाजपा ने तो आज वादा भी करके चले गए कि वो तो देंगे। हाँ, होने चाहिए तो देंगे, उम्मीद है। बिल्कुल पक्का ही उम्मीद है। पक्की उम्मीद है जी जी। चलिए, आपका नाम क्या है? मैं जनाब लाहौर ब्योता से नायब सरपंच हूँ। अच्छा जी, जिस पंचायत से DDC मारा है उस पंचायत से मैं हूँ। तो आप भाजपा से? मैं भाजपा से हूँ, लेकिन मैंने उससे सरपंच जो DDC है उसको लात मार के बाहर फेंक दिया, लेकिन भाजपा का हाथ थामा और इंशाल्लाह इसको यहाँ से परिहार साहब को जिता के हम असेंबली में भेज देंगे। और ये लोग कहते नहीं आज कि यहाँ इस्लाम को खतरा है, इस्लाम को खतरा नहीं, उनकी कुर्सी को खतरा है। अच्छा, ये कुर्सी में चले जाए, अब कुर्सी गई है, अभी ऐसे झप्पे मार रही है ये लोग, इनका अब कुछ यहाँ नहीं बचा। यहाँ एक हमारा बुजुर्ग बोल रहा था ऊपर बेहोता में, जो कि इनके पार्टी का था, 70-80 साल का बूढ़ा था, उसने बोला था जब इनकी मीटिंग लगी, उसने बोला भाई यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ कुछ नहीं, आप मक्कियां ये कूट करके बोरियों में भर दी, आप बीज भी लेना किसी से बीजो फिर काटो, यहाँ कुछ नहीं बचा। इंशाल्लाह यहाँ हमारा परिहार साहब जीता है और जीत के असेंबली में जाएगा, तो हमारा काम किया भी और करेगा भी आगे, जो वादे इन्होंने किए हैं इंशाल्लाह ये पूरे करेंगे। हमने भाजपा को वोट करना है, कमल के फूल पर वोट करना है, और इसके बाद जिता कर तो इसको इनको असेंबली में। आप एक्स सरपंच भी रहे हैं, आपकी पंचायत में कितना काम हुआ है? हमारी पंचायत में तो जो हमने काम किया तो ये किसी इनके मंत्रियों ने नहीं काम किया है, हमने किया है, परिहार साहब के देन से हमने किया है। क्या क्या मिला है आपके पंचायत के लोगों? जो कि लोगों की डिमांड थी वो लोगों को मिला है, जो लोगों की डिमांड थी। पर्सनल हमें अपने घर के लिए कोई काम नहीं किया, लोगों के लिए काम किया है, लोगों के जो मफाद के लिए काम था और उनके लिए हमने काम किया और एकजुट होके काम किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, हम मरमत की दिखा रहे हैं, तो मरमत के अंदर लोगों की आपने आवाज सुन ली कि क्या है, और जो लोगों का कहना है वो शक्तिराज परिहार है, और आज के दिन यहाँ पर शक्तिराज परिहार जो है वो इन लोगों को जो है वो देखने को मिले, बातचीत जो है यहाँ पर की, इन लोगों से कहीं वादे भी किए हैं। फिलहाल अब ये देखना है कि 8 तारीख को ये जनता किसे चुनती है। देखते रहें दारोकल रिपोर्ट, दीजिए इजाजत, नमस्कार।